और गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिसे गुपकार गैंग कहा जा रहा है, बीजेपी उन पार्टियों के साथ कैसे गठबंधन कर चुकी है। ये जो उनकी हमेशा कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की, यूज एंड थ्रो, उसी नीति पर ये पार्टी चल रही है। जब ज़रूरत होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता हो जाता है, जब सरकार बनानी होती है तो PDF और मुफ्ती साहब के साथ समझौता हो जाता है। तो ये सब जो कहा जाए कि अपने स्वार्थ की राजनीति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम ऐसे युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया को रीस्टार्ट करने से पहले रीसेट करने का मौका दे दिया है। बिजनेस को लेकर बात करते हुए PM मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भारत को वैश्विक निवेश की एक पसंदीदा जगह बनाने की दिशा में कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ेगी। अगले 2 दशक में भारत और कुछ अफ्रीकी देशों में शहरीकरण की सबसे बड़ी लहर देखने को मिलेगी। सरकार 2022 की समय सीमा से पहले 1 करोड़ की किफायती आवास तैयार करके देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, 100 स्मार्ट शहरों में 2 लाख करोड़ रुपए तक निवेश किए जा रहे हैं। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।